तो चलो प्यारे बच्चों, ये देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। शुरू शुरू में मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन रखा हूँ जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से फॉल्स है। ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल एक्सलेटेड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पर हमें गलत निकालना है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन रॉन्ग है। ट्रू कैसे है, क्या बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अगर मैं किसी बॉडी को, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर किसी बॉडी को ऊपर फेंकता है, तो अगर ये ऑब्जर्वर किसी बॉडी को ऊपर फेंकता है तो इसको अगर ऊपर फेंकता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से इसको वापस आना है, दोबारा वापस आना है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुका होगा और कुछ उस इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो हुई, बट एक्सलेशन स्टिल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड हर पॉइंट पे लग रहा है, चाहे वो रुका हो चाहे वापस आए। अब वो वापस आएगा तभी भी एक्सलेशन हर पॉइंट पर कांस्टेंट है वो। और ये तो इस सिचुएशन में, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब हमें गलत निकालना है। ए बॉडी विच हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल वेरिंग स्पीड, ए बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टील वेरिंग स्पीड। देखो अगर कोई भी पार्ट अगर तुम देखोगे यहाँ से, अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन से मिलके बना है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, समझ रहे हो। अगर अगर ये वेलोसिटी, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, तो इस पूरे को तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा यार, समझ रहे हो। अगर ये पूरा कांस्टेंट है मतलब स्पीड को तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, प्लस डायरेक्शन को भी तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी तो जाके भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिंग स्पीड, ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन चेक करें। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग स्पीड, बिल्कुल सही है। अगर स्पीड जो है, स्पीड स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हो सकता है ये वाली चीज़, अगर तुम देखोगे वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता है डायरेक्शन बदलता हो ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है ना, और वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे सीधी लाइन में एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस वक्त तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर सर्कल में चल रहा है, ठीक है, कर्व पाथ पे चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर से कोई बच्चा इस सर्कल पर हमेशा दौड़ता है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन में बदल रही है, समझ रहे ना। तो इस तरह से वेलोसिटी V1 V3 डायरेक्शन में बदल, दैट्स वाई कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब हमें गलत निकालना तो ये गलत है। तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी वेरी कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज व्हेन इट एक्सलेशन इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली एक्सलेशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज, तो क्या डायरेक्शन बदल सकता है व्हेन एक्सलेशन इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। अगर डी ऑप्शन देखोगे, किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकते हो तो पहले तो ऊपर जा रही थी फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो बदल गया ले, लेकिन दोनों में एक्सलेशन जी लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ए भी सही है, मतलब हमें गलत निकाला, मतलब बी ऑप्शन सही है।